चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे मोमो स्पाइडरमैन, मोमो अरे उठ लो भाई, कब से तुम्हारा अलार्म बज रहा है? स्पाइडरमैन तुम्हारी आवाज बहुत मुस्तकीम से मिल रही है क्या हूँ? अरे ये क्या कहती जा रही हो मोमो, उठो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ महमूद। कितने बदतमीज हैं आप। आपने मुझे क्यों उठा दिया? मैं अच्छा खासा स्पाइडरमैन के साथ उड़ती फिर रही थी। अरे भाई ये किस किस्म के फजूल ख्वाब है? ये स्पाइडरमैन वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब फिल्मी बातें हैं। वैसे वो मुझसे रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। क्या नहीं, ये घटिया आदमी वजाहत जो तुमसे रोमांटिक हो रहा था। नहीं, वजाहत तो आप हैं, रोमांटिक वो हो रहा था जो ख्वाब में। अरे भाई मेरे होते हुए तुम ख्वाबों में गैर मर्दों को देख रही हो? अरे मैं क्या स्पाइडरमैन से कम हूँ? नहीं आप बहुत ज्यादा है, आप में से तो 5-6 स्पाइडरमैन निकल आने। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। इसी बात का तो अफसोस है वजाहत, आज मैं किसी सुपरमैन से शादी करती तो मैं भी सुपर वुमन होती। अरे तुम्हें मुझसे अच्छा शौहर कभी नहीं मिल सकता था मुमताज। हाँ मुझे मुमताज का रिश्ता भी आया था, मगर मैंने सारे रिश्ते ठकरा दिए सिर्फ आपके खातिर। अरे ये क्या उल्फा उल्फा के जा रही हो? सारी रात तुमने मेरा दिमाग खाया कि मैं ना सुबह उठ के जाके लॉन में एक्सरसाइज करनी है। अब जाओ ना, उठो, चलो जाओ जाके एक्सरसाइज करो, उठो उठो। चलो चलो चलो, बहुत शोर मचाती हैं आप। चलो अब एक्सरसाइज में नाइट ड्रेस भी तो नहीं करती। हाँ हाँ चलो कपड़े बदलो जाओ। हाँ जा रही हूँ। सारी फिल्में मैंने देखी है। तो आंटी आप मेरी बहुत बड़ी फैन है। आंटी इस घर में तो आंटी कोई नहीं है, मैं तो अभी अभी 27 की हुई हूँ तेरी कसम। क्या? हाँ अच्छा हुआ ना देख तू हमारे लान में कूदा, अब तू आराम से 3-4 दिन यहाँ रहना, मैं ना तुझे पसंदे खिलाऊंगी। अच्छा तो आप कहती है रुक जाओ, मैं सदके जाऊँ तेरे फरमा बरदारी के। अच्छा देख तू यहीं रुक, मैं सबको बुला के लाती हूँ, अब कहीं चले ना जाना, प्रॉमिस उड़ेगा तू। क्या हो गया माँ जी, महमूद साहब को हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? अरे नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे घर ना वो है। वो कौन? वो जो हवा में उड़ता है। उड़ने वाला सांप माँ जी, महमूद साहब जैसा? नहीं पुत्र, वो जो सवेरे मेरे ख्वाब में आया था ना। अरे तुम्हारे ख्वाब में तो स्पाइडर मैन आया था। हाँ बिल्कुल ठीक, स्पाइडर मैन ना सच्ची मुच्ची हमारे यहाँ आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी, स्पाइडर मैन? आपने फिर से कोई ख्वाब देखा होगा? ना मैंने कोई ख्वाब वाब नहीं देखा, वो सच्ची मुच्ची आया है और 2-3 दिन रहेगा इधर। अरे भाई सुबह सुबह स्पाइडरमैन कहाँ से नाजिल हो गया? वो इसलिए कि मैंने सच्चे दिल से उसके आने की दुआ की थी ना। अगली बार मैं वो याद को भेजना है। आमीन आमीन। अच्छा चलो भाई देखते हैं कौन आया।
स्पाइडर देखा है उसके साथ बड़े दारा स्पाइडर देखा है। नहीं उसके साथ मैं नहीं। किधर किधर है स्पाइडर मैन यार? जी ये कौन है? लांदी हो गई है, देख नहीं रही है? ये सुपरमैन है। ओ माँ जी स्पाइडरमैन है यार। अरे यार नबील, ये तो वाकई स्पाइडरमैन हमारे घर पे आ गया है। लेकिन यार ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ओ, हो सकता है मैं सब गूंगा स्पाइडरमैन हो। अबे अबे जा 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 जा। अरे भाई मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ। ये उर्दू बोल रहे है? कैसे? दरअसल मेरी अम्मी अंग्रेज थी और अब्बा पाकिस्तानी थे। आई सुन लिया फरखंदा, स्पाइडरमैन का प्यो पाकिस्तानी था बच्चू। ओ भाई तू हमारे घर क्यों आया है? मैं तो अपने घर जा रहा था भाई, अचानक मुझे चक्कर आए और मैं आपके लॉन में गिर गया। अरे भाई हम कैसे मान ले कि तुम असली स्पाइडरमैन हो, हमें कुछ करके दिखाओ। हाँ वो जो तुम जाले बनाते ना, फुक, फुक, वो करके दिखा दू। ओ भाई तू एक काम कर, तू छत पे जा छलांग मार, हमें दिखा। हाँ। चल शुरू हो। अरे भाई मैंने अभी बताया ना कि मुझे चक्कर आ गए थे, असल में कुछ दिन पहले मुझे चिकनगुनिया हो गया था, इसलिए कमजोरी अब तक है और मेरी पावर्स भी खत्म हो गई है, भूख भी बहुत लग रही है मुझे। आप लोग कुछ मुझे खाने को दे सकते हैं? हाय मेरा बेचारा स्पाइडरमैन कितना मस्कीन लग रहा है। चल तुझे मैं इतनी रोटी खिलाऊंगी तेरी सारी पावरें वापस आ जाएंगी। आ जा आ जा स्पाइडरमैन। नबील मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम फौरन निकालो इस स्पाइडरमैन को घर से। ओ यार मैं मुंह सब आए चल के देखे ये कहां से आ टपका है। हां चलो चलो आ जाओ आ जाओ। ओ ले आए मां जी ले आए। ले भाई चल अब तो हो जाना शुरू। चल भाई चल। शाबाश। देखो जैसे ही खाना खत्म करोगे ना तुम्हारी पावर आ जाएगी ना, फिर तुमने हमें उड़ के दिखाना है। भाई अभी भी बहुत कमजोरी है मुझे, मेरी पावर्स नहीं है मेरे पास। ओ भाई तेरी पावर्स आएंगी वापस कब? मुझे लगता है जब तक मेरी पावर्स वापस नहीं आ जाती ना मुझे यही रुकना पड़ेगा। तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते शबाना, ये स्पाइडरमैन यही रहेगा, ये मेरा आखिरी वो है। आपका वो जो भी हो ये यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि इस घर का किराया मेरे पापा देते हैं। माँ जी खूबसूरत बिल्कुल ठीक कह रही है, ये यहाँ ऐसे नहीं रह सकता, अगर इसने यहाँ रहना है तो इसको किराया देना होगा। नबील मेरा कमरा देने के बारे में सोचना भी मत। ओ जानू ये स्पाइडरमैन है, ये तो मकड़ी का जाला बनाएगा और लटका रहेगा कहीं ना कहीं कोने में। नहीं नहीं भाई मुझे बेडरूम चाहिए। ठीक है मैं अपना कमरा इसे दे देता हूँ, लेकिन फिर आधा किराया मैं लूंगा। यार आपकी यही छोटी बातें हैं महमूद साहब जिसकी वजह से मैं बड़ा आदमी नहीं बन सका, वरना तो मैंने अभी तक बुर्ज खलीफा खरीद लेना था। वो जो तुम खरीद चुके होते वो बुर्ज खलीफा होता। हाँ जी जी। भाई अब मुझे ना मेरा कमरा दिखा दे आप लोग। चलो आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। आज वो चल चल भाई। स्पाइडरमैन कराया तुम्हें एडवांस में देना पड़ेगा है? और ये जो सामने वाली खिड़की है ना इससे बाहर नहीं देखना। हाँ इधर महमूद साहब की दोस्त रहती है पीनो। अच्छा भाई अब तुम दोनों जाओ, मुझे नींद आ रही है भाई। अरे ऐसे कैसे निकलो भाई, पहले कराया दो एडवांस, एक दिन का 10,000 रुपए और 3 दिन के बने 30,000 रुपए और खाने पीने के अलग होंगे। हाँ जी ये क्या लूट मार रहे भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर एक काम करो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। कैसा काम? नबील मैं तो कहता हूँ इससे ना घर के जाले उतरवा लो और पंखे भी साफ करवा लो। गरीब आदमी की गरीबाना सोच, तुम्हें हमारे लिए एक अदद बैंक लूटना होगा। क्या? अरे वाह नबील वाह, तुम स्पाइडरमैन से बैंक लुटवाओगे? और क्या बारात लुटवाऊं उससे? ओ भाई मैं बैंक वैंक नहीं लुटूंगा, मैं एक सुपर हीरो हूँ, लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ। और बताया तो है मेरे पास सुपर पावर्स भी नहीं है। तुम दोनों ना जाके मेरे लिए दूसरा काम सोचो, दूसरा काम ठीक है? और मुझे सोने दो प्लीज। चलो नबील इसको थोड़ी देर आराम करने देते हैं, शायद इसका दिमाग कुछ काम कर जाए। नहीं कुछ और सोचते हैं इसके लिए काम है। मूसा आए मेरे साथ। चलाओ फिर आज वो आज वो आज वो सो जा आज। जानू आइडिया आ गया आइडिया। जानू कभी कभी तुम्हें फखर तो होता होगा अपने शौहर पर कि कितना क्रिएटिव और कितना इंटेलिजेंट है तुम्हारा शौहर। क्या आइडिया? जानू मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं अपने पापा जी को बताऊंगा। अच्छा
हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा जी, कैसे हैं आप? सुबह से आपकी इतनी याद आ रही थी मुझे। हाँ मेरे प्यारे पापा जी। नहीं आप भी नहीं आना पापा जी, बस 4-5 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दें मेरे अकाउंट में। जी जी पापा जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है पापा जी। हेलो 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 पापा जी, पापा। वैसे तुम्हारे पापा बहुत ही कंजूस आदमी है यार। कंजूस? इतनी बड़ी रकम तुम उनसे मांग भी कैसे सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने पापा जी को हमेशा अपना सगा बाप समझा है और अपने बाप से मांगती हूँ, कैसे शर्म जानू? तुम इतनी बड़ी रकम मांग क्यों रहे थे? जानू मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ। फिल्म? हाँ जानू मैं फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म डूडी खान की तरह, पाकिस्तानी स्पाइडर मैन। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना भी? जानू मैं फिल्म खुद डायरेक्ट करूंगा और तुम्हें भी एक जबरदस्त रोल दूंगा। हीरोइन का रोल? नहीं नहीं जानू, तुम स्पाइडर मैन की बहन का रोल करोगी और बहन भाइयों में मिसाली मोहब्बत होगी। जानू तुम देखना मेरी फिल्म 50 करोड़ का बिजनेस करेगी, 50 करोड़ का। सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, इस साल के सारे अवार्ड मेरे होंगे और आखिर में ऑस्कर मुझे मिलेगा। हाँ और फिर मैं तुम्हें जगा दूंगी। तुम अपने शौहर को तरक्की करता हुआ देख ही नहीं सकती हो, हासिद औरत। अरे भाई ये तुम ही हो ना? हाँ हाँ मैं ही हूँ, बस जरा मेरी पावर वापस आ जाएंगी तो फिर से मैं ये करने लगूंगा। ओ भाई तेरी पावर्स कब वापस आएंगी? मुझे शूटिंग भी शुरू करनी है। कौन सी शूटिंग भाई? फिल्म की शूटिंग भाई, जो तू हमारे साथ करेगा। ओ भाई मैं कोई फिल्म विल्म नहीं करूंगा और जब तक मेरी पावर्स वापस नहीं आ जाती मैं कोई काम नहीं कर सकता। ओ भाई ये देख स्पाइडरमैन मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। ये तो सूप है। हाँ इसको मामूली सूप ना समझना, पता है इसमें मैंने बड़ी बड़ी चीजें डाली हैं। एक मकड़ा, उसकी बीवी, उसके 20 बच्चे सारे पीस के सूप में उबाल के बनाए मैंने। ये क्या पिला दिया आपने मुझे? डरना नहीं, इसको पीने से तेरी सारी पावर वापस आ जाएगी। ले मुंह खोल, दिल पुत्र पकड़ इसके हाथ पांव, मैं इसको सूप पिलाऊंगी ना, अब देखना कितनी जल्दी इसकी पावर आ जाएंगी। दिल दिल नहीं माँ जी, नबील। नबील के पास भी पावर आ जाएंगी। आप एक काम करें माँ जी, और सूप लेके आए। अभी लाए। और लाए सूप, इसकी पावर्स वापस मंगाते हैं। यार नबील, अरे ये स्पाइडरमैन तो किसी काम का नहीं है यार, क्यों ना 20-20 रुपए की टिकट लगा दे इस पर, मोहल्ले के बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारा खर्चा पानी भी निकलता रहेगा। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज मेरे अजीज, आए मोहल्ले के बच्चों को बताते हैं। आज वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ताश खेल रहा हूँ। अरे मैं देख ही रहा, मैं आराम कर रहा हूँ। मेरे कमरे का ना एसी ठीक काम नहीं कर रहा है। ठीक काम नहीं कर रहा तो ठीक करो उसे। मैं स्पाइडरमैन हूँ, ये सब काम मुझे नहीं आते, मैं सिर्फ मुजरिमों को पकड़ता हूँ। इस तरह कमरे में छुप कर? नहीं नहीं वो तो 1-2 दिन की बात है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन एक बात है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। क्या? हाँ हाँ शरीर, मुझे पता है दिल ही दिल में ना तुम मुझे चाहने लगी हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी रुको जरा। माँ जी, माँ जी क्या हुआ तुम्हें? सुन ये छिचोरा स्पाइडरमैन मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। कीड़े पड़े तुझे स्पाइडरमैन, सवेरे से खिदमतें मैं तेरी कर रही हूँ तो फ्लर्ट जाके तू उसके साथ कर रहा है। डंडा ला। ये क्या कर रही है आंटी आप? आंटी? आंटी के बच्चे? तू खुद आंटी होगा, तेरी माँ आंटी, तेरी खाला आंटी, तेरी चाची आंटी, तेरी फूफी आंटी। ये मैं इसके चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पर उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए भाई। तुम्हारी ये हालत किसने की है?
इतना तो मुझे किसी ने जेल में भी नहीं मारा। जेल में? मेरा मतलब है कि मैंने किसी मुजरिम को जेल में बंद करते हुए इतना नहीं मारा। तूने मुझे रोकना नहीं है दिल, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे भाई, इस गरीब ने किया क्या है? ये अंदलीब को छेड़ रहा था एहतशाम। वो कौन अंदलीब माँ जी? तेरी बीवी और कौन? ओए, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी खूबसूरत को छेड़ने की? हाँ, अगर छेड़ना ही था तो मलका आलिया को छेड़ना था। मलका आलिया कौन है भाई? मैं हूँ मुमताज। नवीर, मैं तो कहता हूँ इस छोरे स्पाइडरमैन की असलियत जो है ना, वो सबको पता चलनी चाहिए। यार मेमू साहब, क्या आइडिया दिया आपने? मैंने क्या आइडिया दे दिया भाई? मेमू साहब, हम सब में ये खबरें फैला देते हैं कि हमारे घर में स्पाइडरमैन है, फिर अखबार और टीवी वाले सारे आ जाएंगे हमारे घर में और हम करेंगे एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर इससे क्या होगा पुत्र? अरे मोमो, जरा सोचो, एक हफ्ते तक लगातार हम टीवी पे आते रहेंगे, अरे सारे चैनल वाले हमारा इंटरव्यू करेंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे टीवी पे नहीं आना है। भाई तू कितना बखरत है, हमने तुझे इतना कुछ दिया, तू बदले में थोड़े से मशहूरी नहीं दे सकता हमको? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो, मैं टीवी पे नहीं आ सकता। अरे चल, चलो नबीर, हम चलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करते हैं। आज वो आज वो मारो इसको, खिलाऊं मैं पिलाऊं मैं तो छेड़े ही जाके शकीला को। हेलो, झटपट न्यूज यार, नबील बात कर रहा हूँ, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। हमारे घर में ना स्पाइडरमैन आ गया है। ओ, खाली स्पाइडर नहीं भाई, स्पाइडरमैन। हाँ, सुबह ही लैंड की है। हाँ हाँ भाई, आप तस्दीक के लिए आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ आए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए। अभी मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। ओके बाय। अरे ले, स्पाइडरमैन तो आता जाता रहता है हमारे घर। अरे हमने तो इसे टोकरी कर दिया। दरअसल वो मेरी फुफोजात भाई के साले का बेटा है। हाँ, इसीलिए तो आ रहा है हमारे घर। हाँ, आ जा आ जा, अब फौरन आ जा, देखना है तो आ जा। देखे प्लीज, मीडिया वालों को मत बुलाए, वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ओ भाई, लेके जाते हो तो ले जाए, तुम हमारे किस काम के हो? अरे भाई, इसी बहाने तो हम टीवी पर आएंगे ना, और हो सकता है अली इमरान मुझे देखकर किसी टीवी ड्रामे में कास्ट कर ले। ड्रैकोला के रोल में करेगा अली इमरान आपको कास्ट? नबील, और छोड़े यार महमू साहब, जाए जाके दीवार से मुंह रगड़े, छोटा करे मुंह अपना, वरना एक टीवी पर ये मुंह नहीं आना। अरे चुप कर नबील, देखना, अरे ये चेहरा धूम मचा देगा टीवी इंडस्ट्री में। अब मचा ही ना दे धूम। प्लीज आप लोग मेरी तो सुन ले, मुझे यहाँ सुकून से ना दो तीन दिन यहाँ रहने दो, मैं आप लोग को ना 1,00,000 रुपए दूंगा। और बस कर दे, 1,00,000 रुपया देगा, 1,00,000 की तो क्रीमें लग जाती है महमूद साहब के मुंह पर, तुझे पता ही नहीं है इनकी मेंटेनेंस कितनी ज्यादा है। तुम 5,00,000 में बात डन करो। भाई 5,00,000 नहीं है मेरे पास। और चले यार महमूद साहब, छोटे कुर्सियां लगाए यार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा मेरी बात तो सुने, मैं सिर्फ 3,00,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। देखो 4 में डन करो, चलो निकालो 4। महमूद साहब में भी डन कर दिया, डन कर, 4 दो आए ना हमें भाई, ये 5 है तो ठीक है, अभी वापस कर देंगे एक तुम्हें भाई। ऐसा क्या 1,00,000 का मेरे खर्चे है ना? तेरे क्या खर्चे हैं भाई, तूने कौन सा कपड़े धुलवाने होते हैं? कॉस्ट्यूम तेरा। चले महमूद, आपके पैसे मेरे पास ही हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ, सांस तो लेने दे। हेलो, मानूर बलोच स्पीकिंग इन द फोन। हेलो माँ जी, बात कर रही हैं। हाय माँ जी, आपने फोन कैसे कर लिया? आपको तो मरे हुए भी 20 साल हो गए, और ये आपकी आवाज इतनी मर्दाना क्यों लग रही है? अरे मैं आपकी माँ जी नहीं हूँ भाई। न फिर किसकी माँ जी है आप माँ जी? और यार मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, आप नबील को फोन दें माँ जी। हमारे यहाँ कोई नबील नहीं रहता भाई साहब। अच्छा मेरी बात गौर से सुने, मैंने आपको खबरदार करने के लिए फोन किया। ओए, तो मुझे धमकियाँ दे रहे, तू मुझे जानता नहीं है, एक आवाज मारूंगी सारा पिंड इधर आ जाएगा। अरे आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ कोई नामालूम शख्स तो नहीं आया? हमारे यहाँ तो स्पाइडरमैन आया हुआ है बच्चू, मैंने तो बड़ी सेल्फियां भी दी हैं उसके साथ। स्पाइडरमैन? मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा। इतना कुछ हो गया है नबील, और अभी तक तुमने इस पागल को घर से नहीं निकाला। और जानू, ऐसे मुफ्त में नहीं रखा हुआ मैंने, पूरे 4,00,000 रुपए लिए मैंने इसे, और जब तक ये यहाँ रुकेगा इसे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, जैसे इसकी पावर वापस आ जाएगी तो थोड़ी सी मुझे उधार दे देगा। नबील,
लगता है कोई आ रहा है। वही तो भट्ट साहब है। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो। ओ यार भट्ट साहब आज तो हमने कुछ भी नहीं किया यार, आज तो हिलने जुलने दे हमें। कौन है ये आदमी? नट साहब ये मकड़ा मैन है। इनका मतलब है ये स्पाइडर मैन है भट्ट साहब। चला स्पाइडर मैन के बच्चे मास्क उतार अपना। नहीं नहीं मैं मास्क नहीं उतार सकता। कैसे नहीं उतारेगा? मुझे माँ जी से बात करते हुए शक हो गया था इसलिए मैं फौरन आ गया। इसका मतलब है हमारे यहाँ अगर स्पाइडरमैन आ जाए तो वो भी चोरियां करने लग जाएगा भट्ट साहब। और ये स्पाइडरमैन नहीं बहुत बड़ा स्मगलर है, पुलिस 3 दिन से इसको पागलों की तरह ढूंढ रही थी। चलो अब तू चक्की पीसेगा चल के जेल में। चल एक मिनट भट्ट साहब, अब नबील तुम भट्ट साहब को ये नहीं बताओगे कि तुमने इस स्पाइडरमैन से 4 लाख रुपए लिए थे घर में रखने के लिए? तो मैंने कब लिए जानू? वो तेरी खैर चला तू ही। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पास।